न्यूज युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। रियाबड़ी उपखंड क्षेत्र के गांव पादुकला कस्बे में चार भुजानाथ मंदिर के पीछे पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक में शारदीय नवरात्र महोत्सव समिति और चार भुजा मित्र मंडल के तत्वाधान में साधु संतों के सानिध्य में कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। राणा बाई जी महाराज मंदिर के महंत पांचाराम महाराज ने सर्वप्रथम मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत शुक्रवार को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्याति नाम कवियों ने देश की वर्तमान परिस्थितियों पर कविता पाठ करके श्रोताओं की खूब दात बटोरी। और इस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली से आई कवित्री आयुषी राखेचा ने सरस्वती वंदना से की। नाथ द्वारा राजस्थान से आए कवि कानू पंडित ने सेल्फी पर अपनी कविता सुनाकर श्रोताओं को खूब हंसाया। वहीं पादुकला के स्थानीय कवि नवीन गौड़ ने जब पुलवामा हमले पर वो भारत की सेवा करते गहरी नींद नहीं सोते, शत्रु दल को सबक सिखाते शौर्य बीज यही बोते, उरी के समय हम दुश्मन का काम तमाम जो कर देते, पुलवामा हमला ना होता हम सौ सौ बार नहीं रोते। ये कविता सुनाई तो समूचा पांडाल भारत माता की जय के नारे से गूंज उठा। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आए कवि आकाश नौरंगी ने भगत सिंह और राम मंदिर पर कविता सुनाकर युवाओं में खूब जोश भरा। साथ ही जैतारण से आए कवि विकास राजभाटी, सुजानगढ़ से आए कवि हरी राम गोपालपुरा ने भी श्रोताओं को अपनी हास्य कविताओं से खूब ठहाके लगवाए। वही कार्यक्रम का संचालन जोधपुर से आए कवि श्रवण दान शून्य ने किया। साहब, विडंबना की बात यह है इस देश में कि एक फर्जी नेता की रैली निकलती है तो 10-10 15-15 दिन पहले सरकारों के कान चेतन हो जाते हैं। एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक चौराहे की जांच की जाती है कि नेताजी, विधायक साहब, सांसद साहब, मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब गुजरने वाले हैं, मगर 14 फरवरी के दिन 1600 जवानों का काफिला श्रीनगर से जम्मू कश्मीर जा रहा था साहब, किसी के कान में फू नहीं लगी। और एक दरिंदा, एक हत्यारा 350 किलो आईडीएक्स लेके आता है और इस देश के 1600 जवानों पर ऐसे फेंक देता है जैसे होली के दिन लोग गुलाल। मैं चाहता हूं उस दिन हुआ क्या होगा, जिस जिसने पुलवामा की जो फोटो देखी अपने फोन में वो गवाही दे। मैं नहीं चाहता तालियां बजाओ, बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तालियों के लिए कविता पढ़ने वाला कवि हुई नहीं साहब। सारी रात चुटकुलों से निकालने जितना मटेरियल विकास रात अपनी जेब की पहली कॉलोनी में रखता है, मगर ये चाहता हूं कि संवेदना, सिर्फ 2 मिनट की कविता है, सिर्फ संवेदना अगर पूरे दे दूं उस दिन का दृश्य क्या होगा, सरकारों की नपुंसकता कैसे दिखाई दी होगी, बस इतना आपको दिख जाए तो मुझे थोड़ा सा साहस दे देना, बल दे देना साहब। ये नेता तो इतना कह देते हैं साहब कि लोग सेना में तो मरने के लिए जाते हैं। कवि दिलीप चौहान ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए, दिलीप चौहान ने कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए सैनिक की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी उन वीर प्रसूता माओं को। अरे मैं 30 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटो को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटे। वाह भाई वाह, बस इतनी सी भूमिका है कि मैं शायर था फकत अल्फाजों से उलझता रहा, कि मैं शायर था फकत अल्फाजों से उलझता रहा, दर्द को बना के स्याही कागजों पर लिखता रहा, जिंदगी के एहसासों को रोकना मेरे बश में नहीं, फकत इसीलिए दुनिया को मैं बागी दिखता रहा, फकत इसीलिए दुनिया को मैं बागी दिखता रहा। एक बार जो कि चलो हम खुल के हंस ले आज पीकर भंग में आए। क्या हुआ, मच्छर अंदर चला गया? कि चलो हम खुल के हंस ले आज पीकर भंग में आए, भले चुप चाप बैठे हैं जो बीवी संग में आए। अच्छा, श्रवणदान जी के साथ नहीं आई है। आइए, आपके अंदर की मस्ती और उल्लास को मैं आमंत्रण देती हूँ, आपकी तालियां मुझे मिले। कि चलो हम खुल के हंस ले आज पीकर भंग में आए, भले चुप चाप बैठे हैं जो विधि संग में आए, सुनाए आपको हम कुछ मगर ये काम पहले
विवाद से आए बेटे ने मारवाड़ी संस्कृति को जिंदा किया तो आशीर्वाद देना और पूरा सदन मेरे साथ तालियां बजाना। माता मैंने क्या गीत गा रही, माता मैंने गीत गा रही कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, मैं दोनों फुलका खाई जावा। अब उन दिन क्या हुआ, माता मैंने थोड़ी लेट हो गई। अच्छा, माता मैंने थोड़ी लेट हो गई शादी में, तो वहाँ पर क्या हुआ, अपने आपके इस गांव के आपकी इस मिट्टी का एक बेटा जो पूरे हिंदुस्तान में अपनी रचना से इन दिनों आपके गांव का नाम रोशन कर रहा है, वो नवीन भाई साहब, ये नवीन जी बहुत उपस्थित, बहुत बड़े कवि, इनको पता चल गया कि आज माता मैंने थोड़ी लेट हो गई, तो नवीन जी ने उन माता बहनों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अगर वो जवाब समझ में आ जाए तो फिर से पूरा सदन ढाके लगाना, आनंद लेना और तालियां बजाना। इधर से माता बहनों बोली कि भूख लगी छे भारी भोजन की करो तैयारी, मैं नोनो फुलका खाई जावा शर्म की मारी। अब नवीन भैया बोले कि आपके पुड़िया वंशी की थोड़ी था आई मारी बाया मोड़ी। अब बुढ़िया वंशी की थोड़ी ताई मारी बाया मोड़ी, अब दाल में पानी ना क्यों और लाडू एक नीरा क्यों। एक बार जोरदार ताली हो जाए ये वेकालो हो। वाह पंडित जी वाह। माता मैंने पर मैंने खूब ढाके लगवाए साहब, लेकिन चार पंक्तियां मेरी इन बेट मेरी इन दीदियों के चरणों में, बहनों के चरणों में, माता बहनों के चरणों में प्रस्तुत करता हूँ। और आपको लगे कि मंच से कोई अच्छी बात कह दी तो माँ जगदम्बा के चरणों में तालियां बजाकर मुझे आशीर्वाद देना। बेटियां क्या होती है, आपका समर्थन मिले, आपका समर्थन मिले कि रोज जल्दी उठकर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां। रोज जल्दी उठकर आंगन बुहार जाती, कोना कोना घर का सवार जाती बेटियां, पिताजी का हर दुख बिना कहे जान जाती, कई इच्छा मन में ही मार जाती। तो कभी सीता बनवा नवाज भोग पति संग दुनिया के रावण को तार जाती बेटियां, और माता पिता जब दुनिया में नहीं आने देते तब जिंदगी से जंग हार जाती। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम देखो एक अंतिम रचना और आपके बीच में बढ़ता हूँ, 5 मिनट और पढ़ू। एक अंतिम रचना, एक आदमी शादी की पत्रिका छपने गया। अच्छा। जहाँ पर वो शादी की पत्रिका छपने गया वहाँ पर कंप्यूटर में पहले से कोई 7-8 पत्रिका और टाइप करके रखी हुई। अच्छा। कोई मिस्टेक हो गई तो सारी पत्रिका एक साथ छप गई। अच्छा। अब उस आदमी की वो शादी की पत्रिका कैसे छपी, आप सब सुनना। अच्छा। आनंद लेना, मस्ती लेना। शादी की पत्रिका स्टार्ट, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभ विजेते, श्री भैरवाय नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्य तु सर्वदा, तो दिन मिले तो वंश मिले तो सपनों ने श्रृंगार किया, तो दिन मिले तो वंश मिले तो सपनों ने श्रृंगार किया, तो दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया, भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवत तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राज हम तुम भूल न जाना आने को, आनंद कंद नंद नंदन प्रभु चार भुजा नाथ की असीम अनुकंपा से मेरे पिताजी का स्वर्गवास। दिनांक 16/4/2017 को हो गया है। अच्छा। जिसका भेरू पूजन 17/4/2017 गणपति स्थापना, 18/4/2017 और महिला संगीत। अच्छा। महिला संगीत कौन सा वो, महिला संगीत 19/4/2017 और महिला संगीत में सुनना, महिला संगीत में पुत्र नहीं घूमे नकारा, स्वतंत्र छुटकारा किया कराया छाया, जमीन में खड़ा हुआ धन, प्यार में विफलता, व्यापार में घाटा, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, सारी बीमारियों का इलाज जैसे साफ श्रीमान हीरा लाल जी के द्वारा, बिना चीरा बिना पट्टी बिना टाके के एक खुराक में किया जाएगा। और उसमें
लोकाई भी है और रगत पियोड़ी गच हरी लोकाई। देखो रे, ज्यादा तालियां वाले बजाने की जरूरत नहीं है, अपने को मारवाड़ी उतनी आती है जितनी सोनिया गांधी को हिंदी आती। खैर साहब, आप सभी का अभिनंदन। हालांकि अभिनंदन शब्द के अर्थ अब बदल चुके हैं, क्योंकि एक आदमी के साहस ने, एक आदमी के शौर्य ने, एक आदमी की जीनी विशा ने और एक आदमी की दुश्मन देश की जमीन पर खड़े होने के बावजूद भी उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने की ताकत ने कि सॉरी सर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, उस विंग कमांडर अभिनंदन ने इस अभिनंदन शब्द के अर्थों को बदल दिया। सुने तू तो नहीं उली कवि की लुगाई, चीज का तो पिसा इलाके फोकट में फर जा। आपने तो राजस्थान में कणकण में ऐसी मजाक पड़ी है, सासू बिगड़े की तो इतनी सारी बात एक सासूर बिन्ने, आजकल की बिन्ने भी बहुत कमाऊ, ये सब भेजा काम करे थे, इतो काम करे वहां, इतो काम करे तो सारा दिन व्हाट्सअप चला चला रंगू तो कुछ ले। वे सासूर बिन्ने तो निजड़ी बाहर लगा किपारी बैठी, किपारी समझो ना, हाँ बाहर लगा सुबारंग बैठी थी कमरे का माई सोरी, शाम का 8-1 बजे को टाइम हो जाना, बस सासू बोली बेटा बिन्नी, बोले हाँ सासू माँ, आजकल की पट्टी लिखी बिन्ने की बात है, बोले हाँ सासू माँ बोलो, बोले बेटा बारिश बरसात हो रही देख रुकी घूरी है जनाबा, पुराण की थामर की बिननी होती जहां तो उठ देख लेती पड़ी 21वीं सदी की पट्टी लिखी बिननी, बोले सासू माँ बार ये बार वो बार गुजरियो है भाई जी, गुजरियो का मतलब हाँ समझो कि गुजरियो, गुजरियो मैंने कुरकुरियो, कुरकुरियो कुरकुरियो मीन्स नहीं समझो तो सन ऑफ गन्ना। बोले जी बार ये बार वो कुरकुरियो है गुजरियो है, अभी पर हाथ फेर देख लियो सासू माँ, अगर वो आलो है ना तो बारे बरसात हो रही है, वो सूखो है तो बरसात रुक। जना बोले ठीक है भाई बेटा बिननी, बोले बेटा बिननी थोड़ी सी टेम हुई तस्वीर बची, बोले बेटा बिननी तू आंखिया का मायने देख, लाइटा को प्रोको पड़े लाइटा बंद कर दे, मन नींद सी गावे बिननी, बा 21वीं सदी की पट्टी लिखी बिननी, बोले सासू माँ थे 21वीं सदी में जी रहे हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण काम लियो, आपने तो आंखिया मींच लियो या समझ लियो लाइट गई। जना थोड़ी सी देर और चू हुई 10-1 मिनट बाद में सासू माँ बोली, अरे भाई ये 3 चंद्रयान अंतरिक्ष में क्यों चक्कर लगा रहे भाई, अपनी कक्षा में स्थापित हो जाओ, जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाओ, आप भी क्यों खड़े हो भाई साहब, कई लोग जमीन पे इसलिए नहीं बैठ रहे हैं, कई लोग नीचे इसलिए नहीं बैठ रहे हैं कि हमारे नए के नए कपड़े खराब हो जाएंगे, उनको 2 पंक्तियां सौंपता हूँ कि मत सोच जमीन पे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, आप सबके लिए कि मत सोच जमीन पे बैठने से कपड़ों की हालत अजीब होगी, अरे ये सोच के बैठ जा कि कुछ देर के लिए मेरे वतन की मिट्टी नसीब होगी, कुछ देर के लिए मेरे वतन की मिट्टी नसीब होगी। तो बस सासू माँ बोले बेटा बेटा ठीक है वो काम तो सगलो ठीक है, लेकिन बारह ठंडी ठंडी बाढ़ आ रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मन सर्दी लगे खड़ी और बेटा गेट उड़ाल दे जना, और बात बुढ़ी बीनड़ी होती तो खड़ी हो जाती जना भाई, 21वीं सदी की बीनड़ी, बोले सासू जी राम जी सू डरो बे ऊपर ले को ले सी की करो, अरे दो काम मैं बैठी बैठी कर दिया, एक तो खुद ही उठ करो। क्या बात, तो अपने तो राजस्थान के मायने कणकण में हंसी मजाक पड़ी है साहब, गाँव के मायने कणकण के मायने हंसी मजाक पड़ी है, अपने तो गाँव की हर आदमी में जिंदा दिल्ली आ रही है, मान लो मैं किसान को बैठूंगी एकदम या साधारण गांव को, अगर किसान को बैठो रात में अगर घर के बाहर लगड़ो बाकड़ में सोवे और सारा भैंस बंदेड़ी हुए, अरे भी झुंझार भी आवे, झुंझार मतलब जानो ने सपनों, और सपनों भी आवे तो क्या भावे, देखो सोयो सुख भरी नींद पावड़ियो पाने बिंद, कि सोयो सुख भरी नींद पावड़ियो पाने बिंद, एक परी सपना महीं मचकाएगी घन रूप रिधि रानी जिया झरण रो पानी, इसी करी मेहरवानी मारो चितड़ो चुराएगी, कि सपना में मेल भयो दो दिलारो फेल हुयो रे मारे मुख माते बातो जुल्फां बिखराएगी, कि खोयो हो मनींद माए पड़ियो बचड़ो खाए जाग्यो जत पतो चाल्यो के भैंस पूंछ लोगी। लाली मासी युक्त हर भोर को नमन मेरा मन भावन सी हर शाम को नमन है, लाली मासी युक्त हर भोर को नमन मेरा मन भावन सी हर शाम को नमन है,
पूरी ताकतों से जब बचाई ये है गांव उन्हें उजलाई वाले हनुमान को नमन है। पूरी ताकतों से जब बचाई ये है गांव उन्हें उजलाई वाले हनुमान को नमन है। संत सिया रामदास जी की है तपस्थली जो सूरज पूरी बाबो साधाम को नमन है। और अगली पंक्ति के पादुकला की एक विशेषता बताता हूँ आकाश भाई साहब, क्या क्यों पादुकला इतना अच्छा है कि सियाराम संत सियाराम दास जी की है तपस्थली जो सूरज पूरी बाबो साधाम को नमन है। और जिसको ये अपना ले फिर कभी ना छोड़ता है मेरा इस पादुकला गांव को नमन है। मेरा इस पादुकला गांव को नमन है। बहुत बढ़िया, चार पंक्तियां अपने बहुत बेहतरीन अपने पादुकला के लिए इन्होंने पंक्तियां सजोई है। हाँ, एक बार जोरदार तालियां अपने पादुकला के लिए होनी चाहिए, अपने संस्कारों की मिट्टी के लिए होनी चाहिए। मैंने आज सुबह चार पंक्तियां अपने परिचय के लिए लिखी थी, क्योंकि पंक्तियां नहीं है, अगर एक जगह थो तो थोड़ी सी देख के पढ़ लो। हाँ, स्वागत है। और अगर एक जगह थो थोड़ी तालियों से ज्यादा दे दो। मैंने लिखा था अपने परिचय में कि मेरी कविताओं में आग है, प्यार भरी रसधार नहीं है। मेरी कविताओं में आग है, प्यार भरी रसधार नहीं है। खनखन नहीं चूड़ियों की और पायल की झनकार नहीं है। मेरी मेरी कविताओं में आग है, प्यार भरी रसधार नहीं है। खनखन नहीं है चूड़ियों की और पायल की झनकार नहीं है। अपनी कलम से प्यार और श्रृंगार गीत कैसे लिख दूं, अपनी कलम से प्यार और श्रृंगार गीत कैसे लिख दूं। मेरे मन में राष्ट्र प्रेम है, महबूबा का प्यार नहीं है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज़ युग।